स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का वीडियो उन सारे लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, जिनको कि अपने मार्केट से लोड चाहिए होता है। अगर उनके पास अपनी गाड़ी है, अगर वो कमीशन एजेंट है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है, ब्रोकर है, या फिर लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये सारे लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज 10 तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से कि आपको अपने ट्रक के लिए लोड मिलने वाला है, या फिर अगर आपके पास लोड है तो आपको ट्रक मिल सकता है। तो 10 तरीके दोस्तों, ध्यान रखिए कि 10 तरीके जो मैं आज बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर ये 10 तरीके आपने कहीं नोट कर लिया और इस पे आपने अमल किया, इसके ऊपर आपने काम किया, तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास एक ट्रक है या फिर 100 ट्रक है, लोड आपको जरूर मिलेगा। आपको बस ये सारे तरीके अपनाने होंगे, एक एक करके अपनाने होंगे, और जिस तरह से आपका मार्केट होगा वहां पे आपको उस तरह से लोड खोजना होगा। तरीके दोस्तों मैं बता रहा हूँ 10 तरीके जहां से कि आपको लोड मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए। और सबसे पहला तरीका है दोस्तों कैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे कि आपको कैश में काम मिलता है। यहां से आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। जनरली देखा यह जाता है कि अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करने जाते हैं तो आपको मार्केट में क्रेडिट में काम करना पड़ता है, बट ऐसे कुछ इंडस्ट्री है जहां पे कि आप चाहो तो बिना क्रेडिट के ही काम कर सकते हो। और यहां से ऐसा नहीं है कि हर दिन एक दो ट्रक निकलता है। ऐसे इंडस्ट्री से अगर ये कंपनी बड़ी है तो आप ध्यान मान के रखिए, वहां से हर दिन 20 से 25 ट्रक जरूर निकलता होगा। इसमें से कुछ इंडस्ट्री का मैं नाम बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपका हो गया आयरन की कंपनी, या फिर वायर की कंपनी, या फिर जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी, ऐसी बहुत सारे और भी कंपनी है, बट यहां से आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। कैश में काम आपको मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस सारी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ब्रोकर से। अगर आपके पास अपना ट्रक है, कहीं दूसरे जगह आपका ट्रक जाता है और आपके ट्रक के लिए लोड नहीं मिलता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है वहां के कमीशन एजेंट और ब्रोकर से कांटेक्ट करना। उनके जरिए आपका, आपके ट्रक को लोड मिलने का जो संभावना है 60-70% बढ़ जाता है। जबकि अगर आप किसी और तरीके से वहां पे लोड ढूंढते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज के डेट में जितने भी फ्लीट ओनर है, जो ट्रक मालिक है, ज्यादा करके यही तरीके अपनाते हैं अपने ट्रकों को लोड करवाने के लिए। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार आप मार्केट सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा जो भी फ्लीट ओनर है उनका ट्रक मार्केट में दोनों साइड से लोड करवाने वाला जो है वो कौन है। तीसरा है दोस्तों लोड फ्रॉम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, बहुतों बार मैं बोला हूं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के पास लोड की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। यहां से आपको कैश में भी काम मिल सकता है, यहां पे आपको क्रेडिट में भी काम मिल सकता है, दोनों तरह से इस इंडस्ट्री में काम अवेलेबल होता है। तरीका क्या है वहां तक पहुंचने का, ये भी मैं बताया हूं। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में दोस्तों आप पहुंचिए, यहां से आपको अच्छा खासा लोड मिल सकता है। इसमें से कुछ कंपनियां जैसे वीट्रांस हो गया, बरूना हो गया, ओम लॉजिस्टिक हो गया, एक्यू टाइम हो गया, वी एक्सप्रेस हो गया, गति हो गया, अडानी लॉजिस्टिक हो गया, ये सारे बहुत सारी कंपनी है। ऐसे तो यहाँ पे मैंने कुछ ही कंपनी का नाम बताया है, बट इंडिया में ध्यान रखिए कि लॉजिस्टिक कंपनी हजारों के संख्या में है, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और वहां से आपको लोड मिलना स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक कंपनी से आपको लोड मिलता है वो एक वेरीफाइड लोड होता है, और वहां से आपको बिजनेस मिलने के जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। चौथा है दोस्तों लोड फ्रॉम ICD और पोर्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मटेरियल होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंटेनर्स होते हैं, जो आप देखते हो शिप से आता है इंडिया, या फिर इंडिया से बाहर जाता है शिप के थ्रू, या फिर आप मालगाड़ी के ऊपर भी देखते होंगे जो आपके कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े लोड किए हुए,
वहाँ वो सारे जो कंटेनर्स है वो एक्चुअल में पोर्ट या फिर आईसीटी के थ्रू मूव होता है, कस्टम्स के थ्रू मूव होता है। तो अगर आपके पास ट्रेलर है और बिजनेस करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए सबसे बड़ा है। ट्रकों के बिजनेस के लिए, ट्रेलर्स के लिए, जो शिपिंग या फिर जो इस तरह के मालगाड़ियों वाला जो कंटेनर वगैरह जो मूवमेंट करता है, आईसीडी वगैरह जो होते हैं वहां से जो मूवमेंट होता है ट्रेलर का, वहां से आपको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। तो अगर आपके पास ट्रेलर है तो आप यहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों लोड फ्रॉम ऑनलाइन ऐप। मैं यहां पे 5-7 जो है इससे ऑनलाइन ऐप की बात करता हूं जहां से कि जो लोड मिलने के चांसेस है आज के डेट में ज्यादा है, बसरते कि बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे कि लोड मिलता है, बट ये जो 5-7 एप्लीकेशन है यहाँ पे आज के डेट में अच्छा खासा लोड अवेलेबल होता है। जैसे कि आपका रिव्यू हो गया, ब्लैक बग हो गया, वाहक हो गया, ट्रांसपोर्ट बुक हो गया, ब्लो हॉर्न हो गया, लेट्स ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्टर हो गया, ये सारे जो एप्लीकेशन है आज के डेट में इनके पास अच्छा खासा लोड है। इतना ज्यादा भी हम नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा है कि आपको वहां से हमेशा लोड मिलेगा ही मिलेगा, बट बहुत सारे लोकेशंस पे आज के डेट में इनके पास वेरीफाइड लोड होते हैं, अच्छा खासा लोड होते हैं। तो आप यहां से अपने ट्रक के लिए लोड ले सकते हैं, आपको यहां से लोड मिल सकता है। अब जब दोस्तों बात हो रही है लोड की, तो फिर बुकिंग का लोड जो है वो कैसे यहां से जा सकता है, क्योंकि इंडिया में 70% जो मार्केट है वो बुकिंग का मार्केट है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जितने भी अदर स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, ज्यादा करके वहां से बुकिंग का जो मटेरियल है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में निकलता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला तरीका है बुकिंग का मटेरियल लेने का। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस करती है वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। अगर आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस कर सकते हैं, तो इन सारी कंपनियों के पास आप जा सकते हो, यहां से आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। जैसे कि मैं कुछ कंपनी की बात करता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, पार्ले हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है जहां से कि आपको आज के डेट में लोड मिल सकता है और अच्छा खासा लोड मिल सकता है। अगर आपके पैकेट में पैसा, आपके अकाउंट में पैसा है तो आप यहां से बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों बुकिंग का ही, जहां से कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस कर सकते हो, वो है बिडिंग का तरीका। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको एप्लीकेशंस जो कि आपके लोड वाहक जैसे जो एप्लीकेशंस पे बिडिंग होती है, उसी तरह से इंडिया में कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, कुछ ऐसी कंपनी है जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके बिडिंग कराती है और बिडिंग के थ्रू लोड प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपका हो गया एक्साइड और दूसरा हो गया पतंजलि परिवहन, इस तरह के और भी कंपनी है जो कि अपना बिडिंग करवाती है और मार्केट में लोड प्रोवाइड करवाती है। अगर आप इस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहां से बिडिंग करके बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एक और नाम दोस्तों जुड़ गया है, नाम है कोलगेट। तो दोस्तों अगर आप बिडिंग के जरिए बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसी सारी कंपनियों में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर उनके वेबसाइट पर जाकर के बिडिंग कर सकते हैं। चूंकि बाहर जैसे जो एप्लीकेशन यहाँ पे लोड थोड़ा कम मिलता है, बट यहाँ जो बिडिंग होता है, जो सारी कंपनियों में बिडिंग होता है, ये बिडिंग करोड़ों का होता है, लाखों का होता है। यहाँ पे कोई एक दो ट्रक के लिए नहीं होता, यहाँ पे 100 ट्रक, 500 ट्रक, 1000 ट्रक के लिए बिडिंग होता है। तो अगर आप ये सारे एप्लीकेशन पे, सारे सॉफ्टवेयर पे जाकर इन सारी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके बिडिंग के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस कर सकते हैं। जरूरत है दोस्तों पैसे का, अगर आपके पास पैसा है तो आप इस सारी कंपनियों में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों टेंडर का। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों से कॉन्टेक्ट करके कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करते हैं, बिडिंग के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करते हैं, उसी तरह से इंडिया के बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो निकालती है टेंडर अपने मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप वो सारे कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते हैं तो आपको वहां पे भरना पड़ता है टेंडर, उसमें करना पड़ता है क्वालिफाई, उसके बाद आपके जो रेट से उसके ऊपर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैं कुछ नाम बताता हूँ, IOCL हो गया, BPCL हो गया, सेल हो गया, SAIL जिसको कि बोलते हैं, इसके बाद हो गया दोस्तों 52 लोड़ी, FCI, ये सारी जो बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, यहां से आपको जो बिजनेस मिलता है वो टेंडर के थ्रू मिलता है। अगर आप यहां से बिजनेस लेना चाहते हैं तो आपको यहां पे टेंडर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वहां से क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके टेंडर के ऊपर विचार किया जाएगा और विचार करके फिर आपको बिजनेस दिया जाएगा।
चौथा है दोस्तों बुकिंग का तरीका, ये तरीका है आईसीडी या फिर पोर्ट के जरिए है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो मैं बताया था कैश में। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल, ये डायरेक्ट आप शिपिंग कंपनी के साथ कर सकते हो, जितनी भी शिपिंग कंपनी है दोस्तों, जैसे मर्स हो गया, लेपर्ड हो गया, एमएससी हो गया, ये सारे कंपनियों के साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ये सारे शिपिंग कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, इनके कंटेनर्स को आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो ट्रक के थ्रू, तो आपको ये सारे शिपिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा और इनके साथ बिजनेस करना होगा। ध्यान रखिए यहाँ से जो आप बिजनेस करोगे वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होगा, यहाँ से आपको ट्रेलर के लिए सबसे ज्यादा लोड मिलेगा। और ये पेमेंट दोस्तों, ये सारे इंडस्ट्री का जो पेमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, यहाँ से जल्दी ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। और दसवां है दोस्तों जो कि कैश का मार्केट होता है, ये भी बट ये स्पेसिफिक मार्केट है, हर कोई इस मार्केट में नहीं उतरता है। ये मार्केट है दोस्तों कोयला का, गिट्टी का, दारू का, बालू का, टीएमटी सरिया का, इसके बाद कंस्ट्रक्शन का, सीमेंट का, ये सारे इंडस्ट्री में हर कोई जल्दी ट्रक नहीं लगाता है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारे इंडस्ट्री में ट्रक लगाने के लिए, तो यहाँ से भी आपको लोड मिल जाएगा, अच्छा खासा लोड मिलेगा यहाँ से। तो दोस्तों ये 10 तरीके थे आज की डेट में जहां से कि आपको अपने ट्रक के लिए बुकिंग में काम मिल सकता है, कैश में काम मिल सकता है, ब्रोकरेज में काम मिल सकता है, हर तरीके से काम मिल सकता है। और ध्यान रखिए यही तरीके हैं जो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड अपनाता है, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है इतने ही तरीके से होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 10 तरीका मुझे जरूर बताइए, अगर इसके अलावा कोई और तरीका आपके पास तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।